हेलो गाइस, वेलकम टू द नियाशीस एकेडमी। और आज का मेरा टॉपिक है इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलर कैसे करें। जैसे कि पीरियड्स वगैरह होते हैं तो इनको इसमें क्या खाएं, कैसे उपाय करे जाएं कि इसमें जो हमारा पीरियड है वो टाइम पर आने लगे। तो हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊँगी इसे खान पीन के बारे में कि हमको किसके साथ में क्या खाना चाहिए जिससे कि हमारे जो अनियमित मासिक धर्म है वो हमारा टाइम पर आने लगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। जो सबसे पहली चीज़ है दूध में मिलाकर पिए, क्या चीज़ मिलाकर पीनी चाहिए। दालचीनी अनियमित पीरियड्स को नियमित करने के लिए एक एलोपैथिक दवाओं की ओर रुख करने से अच्छा है कि अपनी किचन में ही इसका इलाज ढूंढा जाए। और क्या थोड़ी जो चीज़ हमारे घर की ही चीज़ों से ठीक हो सकती है उसके लिए डॉक्टर के पास क्यों जाना। तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि अपनी किचन में ही, हमारे किचन में ही बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिससे कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। तो अपनी किचन में इसका इलाज ढूँढा जाए कैसे। डाइटिशियन हमको बताती हैं कि डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली सामग्री से ही पीरियड्स को नियमित किया जा सकता है। किचन में रखी दालचीनी इसमें रामबाण साबित हो सकती है पीरियड्स को रेगुलर करने के साथ साथ इस दौरान होने वाले दर्द से भी हमको बचाने के लिए लाभदायक होती है। इतना ही नहीं, इसमें मौजूद हाइड्रोऑक्सीसिलिकॉन पीरियड्स के दौरान इंसुलिन के स्तर को बनाए रखता है। और आप ये काम करके देखें, आपके लिए ज़रूरी ये जो है बेनिफिशियल होगा। दूध में बस थोड़ी सी चीनी को मिलाना है, इससे हमारे पेट में दर्द भी ठीक हो जाएगा और जो हमारा इरेगुलर पीरियड है वो नियमित समय पर आने लगेगा। तो आप हम लोग ये भी काम करके देख सकते हैं। लेकिन हमको इस चीज़ को करना कैसे है, हमको सिंपली क्या करना है, आधा चम्मच ताज़ा पानी, ताज़ा पीसी दालचीनी एक गिलास में दूध में मिलानी है और इसे नियमित रूप से अपने रूटीन में शामिल करना है। अगर हम दूध में डालकर दालचीनी को नहीं पी सकते हैं तो इसके कई दूसरे तरीक़ों से भी इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है। जैसे चाय खाने से ऊपर से डालकर या इसकी लकड़ी को चबाकर हम अपना रूटीन बना सकते हैं। तो पीरियड्स के फ्लो को सही करने में ये मदद करता है। आप दालचीनी को इस तरीके से खा के देखिए, आपके लिए जो आपके अनियमित पीरियड हैं या फ्लो नहीं ठीक है तो इसमें ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके पीरियड्स को रेगुलर करने में। और हम चाय पीते हैं जैसे इलायची पाउडर डालते हैं, इसी तरीके से हम डाल सकते हैं दालचीनी को। अदरक या सूखा अदरक, सूखे अदरक को हम सॉल्ट भी बोलते हैं, सॉल्ट या सूखा अदरक भी पीरियड्स को नियमित करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है ऐसा माना जाता है। यह पीरियड्स के फ्लो को भी सही करने में और पेट में दर्द कम करने में लाभदायक होती है। आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं या फिर हम लोग अदरक का जूस भी पी सकते हैं। दोनों ही जो उपाय हैं हमारे लिए पीरियड्स समय पर लाने में मदद करेंगे। हम अदरक चाय में डालकर भी अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अब हमको अदरक किस तरीके से शामिल करनी है चाय में वो हम बताते हैं। अदरक को कद्दूकस करके उसे स्टील के
बाउल में रखें, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर गैस पर रखें। इसमें थोड़ी चीनी डालकर 5 मिनट तक गैस बंद कर दें। गर्मा गर्म पिएं, ऐसा नियमित रूप से करें। अदरक को पानी में, गर्म पानी में डाल के अगर हम पिएंगे तो हमारे जो इरेगुलर पीरियड है वो टाइम पर आने लगेंगे। आप ये सेकेंड वाला पॉइंट भी अपना सकते हैं, ये वाला पॉइंट भी आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। लेट्स मूव टू द थर्ड, कि अब हम तीसरी चीज़ ऐसे क्या करें जो हमारे इरेगुलर पीरियड को रेगुलर करने में मदद करें। थर्ड है हमारा कच्चा पपीता। स्ट्रेस और मोनोपॉज के कारण पीरियड्स में होने वाली अनियमितता को दूर करने का रामबाण इलाज कच्चा पपीता है। इसमें मौजूद पौष्टिक तत्व जैसे आयरन, कैरोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए और सी गर्भाशय की सिकुड़ी हुई मांसपेशियों को फाइबर पहुंचाने का काम करते हैं। कुछ महीने तक कच्चा पपीता खाएं या उसका जूस पिएं और खुद देखें कच्चे पपीते का जादू। अब हम किस तरीके से शामिल कर सकते हैं मैं ये बताने वाली हूँ। पीरियड्स के आने से कुछ दिन पहले कच्चा पपीता खाना शुरू कर दें। एक बाउल में पपीते के छोटे छोटे टुकड़े काट लें, इसका ऊपर 1 चम्मच दही डालें और ब्रेकफास्ट में शामिल करें। कोशिश करें कि इसे नियमित तौर पर ब्रेकफास्ट या स्नैक की तरह लें। और चौथी चीज़ हमको ये करना चाहिए कि 1 चम्मच हल्दी को गर्म दूध के साथ फाँकने से भी इरेगुलर पीरियड रेगुलर आने लगते हैं। इमली का गूदा होता है कारगर, तो हम इस तरीके से इमली के गूदे को भी खा सकते हैं। इमली या खट्टे खाद्य पदार्थ हमें अपने मासिक धर्म को नियमित रखने के लिए इमली जैसे खट्टे खाद्य पदार्थ अपनी लाइफ में शामिल किए जा सकते हैं। इमली का गूदा ऐसे में बहुत ही सही साबित हुआ है। अब इमली के गूदे को हमें किस तरीके से शामिल करना है। इमली को चीनी के साथ पानी में 1/2 घंटे के लिए भिगोकर रख देना है। अब इसमें नमक, चीनी और पिसा हुआ जीरा पाउडर मिलाना है। इसे टेस्टी और कारगर ड्रिंक को 2 दिन में 1 बार लेना है। चुकंदर आपको पता है ब्लड बनाता है, और चुकंदर जो है इसको कोई भी डाइटिशियन ये बोलता है कि हमको चुकंदर को अपनी डेली यूज़ में, डेली रूटीन में खाने में यूज़ करना चाहिए। डाइटिशियन का कहना है कि चुकंदर में कई ज़रूरी पोषक तत्व और आयरन, फॉलिक एसिड आदि पाए जाते हैं जो अनियमित मासिक धर्म को नियमित करने में कारगर साबित होते हैं। यह हार्मोन्स को, जो हमारे हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं उसको जो चुकंदर है वो बैलेंस कर देता है। तो हम चुकंदर को कैसे कर सकते हैं, चुकंदर का हम जूस बना के पी सकते हैं या फिर हम चुकंदर को अपने खाने के साथ में सलाद के रूप में ले सकते हैं। चुकंदर सेहत और पेट दोनों के लिए बेस्ट माना जाता है। हम इसे कई तरीक़ों से अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। सलाद, सब्जी या इसका जूस निकाल कर पी सकते हैं। साथ ही दही में चुकंदर को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। आपको पता है चुकंदर की खीर भी बनती है। चुकंदर की खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, और चुकंदर की खीर है जो बहुत ही जल्दी ब्लड को बनाती है, और चुकंदर हमको ज़रूर खाना चाहिए। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो बाय बाय, फील हैप्पी।